बाद हम इस होम थिएटर को रिपेयर करने वाले हैं। इंडेक्स कंपनी का होम थिएटर है, काफ़ी ओल्ड होम थिएटर है, इसमें ब्लूटूथ वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है। बेसिकली इसे चलाने के लिए अलग से ऑक्स लीड की जरूरत पड़ती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई इसके एक चैनल से साउंड नहीं आ रहा है और दूसरे चैनल से बहुत कम साउंड आ रहा है, बाकी बेस वगैरह बिल्कुल ओके है। चलिए एक सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाता हूँ, तो इसको रिपेयर करने का पूरा तरीका बताऊंगा। सॉन्ग को प्ले कर लिया है, यहाँ पर वॉल्यूम पूरा फुल करा अपन ने, ये कम कर दिया, फुल कर दिया। मैं पास में लेके दिखाता हूँ आपको माइक को, इतना सा साउंड आ रहा है एक चैनल से और दूसरे चैनल से साउंड बिल्कुल नहीं है। उसमें भी पलट के आपको भी दिखा दूंगा, बाकी बेस से लिए बेस सुनाता हूँ मैं। देखिए बेस फुल करा है। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसका सोल्यूशन क्या होगा चलिए आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर अगर आपके होम थिएटर में भी ये प्रॉब्लम आ रही हो, भले किसी भी कंपनी का हो, आपने क्या करना है वो आपको इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए, दूसरी चैनल के भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा सॉन्ग को बेस कम कर लिया है। ये देखिए इस चैनल पे आवाज नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पर सारे स्क्रू खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आखिर होती है और उसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए सारे स्क्रू वगैरह खुल चुके हैं, अब मैं इसके मदरबोर्ड को बाहर निकालता हूँ। इसमें काफी सारे सीलन लगी हुई है भाई, देखिए काफी सारी सीलन है। पहले तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए इसे तो मैं अभी साफ कर लूंगा। पहले इसमें प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम क्या है इसमें देखने के लिए मिल रही है। सबसे पहले तो हम इसके आईसीज को देखेंगे कि आईसी यहाँ पर जली तो नहीं है। आईसी जली तो नहीं है, लेकिन ये वाली आईसी थोड़ा सा हीट मुझे लग रही है, हीट सिंक ना थोड़ा सा गर्म जरूर हो गया है। वैसे हमने ज्यादा देर यूज नहीं करा, फिर भी इसमें हीट सिंक गर्म लग रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम है इसको पहले देखने का, इंस्पेक्शन करने का कि कोई चीज यहाँ पर खराब तो नहीं दिख रही है, यानी कि कोई कंपोनेंट ऐसा कोई हमें खराब तो नहीं दिख रहा है, ये पहले हमें इंस्पेक्शन करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए खराबी तो मुझे फिजिकली देखने से नहीं लग रही है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कनेक्टर देख लूंगा, कनेक्टर में भी कोई खराबी, कोई सीलन वगैरह की वजह से कोई खराबी तो नहीं है, कनेक्टर भी ठीक ही लग रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ना सारे वायर में कनेक्ट, यानी कि सारे कनेक्टर एक बार मैं कनेक्ट डिसकनेक्ट करके देख लूंगा और कनेक्टर्स को भी साफ कर लूंगा। हालांकि इसमें सीलन है तो पहला डाउट मेरा सीलन की ही तरफ जाएगा, कोई कनेक्टर में कार्बन तो नहीं लगा है, ये जरूर मैं देख लूंगा, वरना मैं डायरेक्टली आईसी को चेंज कर देता। तो पहले मैं यहाँ पर कनेक्टर सभी कनेक्टर को खोल के और थोड़ा सा देख लेता हूँ किसी में कार्बन वगैरह तो नहीं है। तो कनेक्टर्स में कार्बन वगैरह तो नहीं है, फिर भी मैंने इस कनेक्टर में हल्का सा कार्बन ये देखा है। इसको मैं हल्का सा साफ करके एक बार ही मैं अगर पैक करके दोबारा से चला के देखता हूँ, अगर फिर भी वही प्रॉब्लम रहती है तो फिर मैं इसके मदरबोर्ड को बाहर निकाल के इसमें आईसी रिप्लेस कर दूंगा, जिस चैनल से साउंड नहीं आ रहा था और जिस चैनल से कम साउंड आ रहा था। चलिए फटाफट से पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसे। यहाँ पर मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया है और चेक भी कर लिया है, सॉन्ग में या साउंड में कोई भी अंतर नहीं है, वही है साउंड बिल्कुल। और जो यहाँ पर मैं हीट सिंक पे हीटिंग का इशू आ रहा था उसको देख लेता हूँ किस आईसी में दिख रहा है, मतलब फील हो रहा है। बीच वाली आईसी में थोड़ा सा हीटिंग का इशू आ रहा है। चल चलिए फटाफट से अब मैं यहाँ पर इसके मदरबोर्ड को बाहर निकालता हूँ और देखते हैं कि यार इसके आईसी चेंज करने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कि नहीं, क्योंकि साउंड के कितने भी प्रॉब्लम आपके सामने क्यों ना आ जाए, आप पहले आईसी पे ही काम जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर मेन इसमें आईसी का ही खेल रहता है, बाकी अदर कंपोनेंट्स यहाँ पर इसमें अदर कामों के लिए, फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए होते हैं और बाकी सारा काम इसमें आईसी का ही है। अब यहाँ पर पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, जितने भी कनेक्टर आप निकाल रहे ना, चलिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आपको सेम कनेक्टर दिख सकते हैं, तो आपको एक काम करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो इस तरीके से आप लिख लें,
जैसे इसमें एक लिखा हुआ है तो एक इसमें लिख लो और इसमें एक लिख लो, ताकि जब आप इसको उतारो ना लगाते वक्त एक और एक को मैच कर लो, और इस तरीके से। ठीक है, ये तरीका आप जरूर पहले, अगर रिपेयरिंग आप स्टार्टिंग में न्यू न्यू सीख रहे हो ना, काफी लोग कनेक्टर सेम देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके से जैसे हमने उसमें एक लिखा था, इसमें हम ऊपर दो लिख लेंगे और इसमें भी दो लिख लेंगे। जब इसको लगाएंगे तो इस तरीके से मैच करते हुए लगाएंगे, देख लेना। और इस तरीके से आप तीन तीन लिख सकते हो, ठीक है, जहां पे आपको सेम लगे। तो ये हमने इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लिया है, अब हम यहाँ पर काम करेंगे। अब देखिए उस चैनल की जो आईसी है, जिस चैनल पे साउंड नहीं आ रहा था, उस चैनल की आईसी हम कैसे पता करेंगे कौन सी उस चैनल की आईसी है। तो सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि बेस का जो स्पीकर है, बेस का जो स्पीकर है उसका जो कनेक्टर है कहाँ से लगा हुआ था वो देख लो। बेस के स्पीकर का कनेक्टर हमारा इधर से लगा हुआ रहता है। तो अब देखिए एडजस्ट कर लेता हूँ इसे मैं, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। सारे कनेक्टर्स मैं यहाँ से पीछे कर लूंगा, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो उसको समझने में, कंफ्यूजन ना हो उसे समझने में। तो ये कनेक्टर किसका है? बेस के स्पीकर का, यानी कि बेस का जो अंदर स्पीकर है, इसके अंदर एक स्पीकर होता है होम थिएटर के अंदर, जो जिसमें से बेस निकलता है, उसका ये कनेक्टर है। तो उस कनेक्टर के पहले वायर चेक कर लो कि वो कनेक्टर के जो सॉरी ट्रैक है वो किस आईसी पे जा रहे हैं, ध्यान से देख लो। तो ये जो कनेक्टर है बेस के स्पीकर का है, इसके जो ट्रैक है किस आईसी पे जा रहे हैं देख लो। इसमें ये दो पॉइंट है इसके, एक पॉइंट तो हमारा एक ग्राउंड के साथ में निकल गया और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर इस आईसी के साथ में कनेक्ट है। तो ये हमारी बेस की आईसी है, इसका मतलब इस आईसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेस हमारा बिल्कुल टना टना रहा है। अगर बेस की कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम इस आईसी को चेंज करते। वायर है वो इसके थ्रू इधर पे जाती है, यहाँ पर बोर्ड पे इधर पे लगी हुई रहती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आउटपुट लिखा हुआ है इस कनेक्टर, ये देखिए इधर पे देखिए आउटपुट लिखा हुआ है इसके पास में। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें से देखिए दोनों जो बीच वाले को छोड़ के इधर और उधर जो है ना, ये आपस में दोनों आईसी से कनेक्टेड होंगे। ये वाला जो आउटपुट का लेफ्ट वाला है वो इस वाली आईसी से कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पर। और ये जो है आपका राइट वाला इस वाली आईसी से कनेक्टेड है, ध्यान से देख लेना। वो लाइन आईसी के इसमें इस पिन पे जाएगी, यानी कि ये पिन हमारी चौथे नंबर की पिन होती है, 1 2 3 4 चौथे नंबर की पिन से हमारा आउटपुट निकलता है। और एक आउटपुट का जो एक होता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। इस मदरबोर्ड को मैं बाहर निकालता हूँ सबसे पहले, और इन सभी आईसी को, माफ करना, दोनों आईसी को निकाल के अलग करूंगा। बेस वाली हम नहीं निकालेंगे, और बाकी ये कचड़ा वचड़ा अभी मैं कुछ देर में क्लीन कर लूंगा। पहले मैं आईसी को चेंज ही कर लेता हूँ। देखिए बोर्ड को हमने बाहर निकाल लिया है और इसको हम साइड पे रख लेते हैं। चलिए क्लीन कर लिया इसे अपन ने। अब देखिए हमारा जो स्पीकर का प्रॉब्लम है वो यहीं से सॉल्व हो जाएगा आईसी चेंज करने से। तो ये हमारा जो ट्रैक है इन दोनों आईसी से कनेक्टेड है, तो इन दोनों आईसी को हम यहाँ पर निकाल के अलग करेंगे। आईसी को निकालने के लिए आप यहाँ पर सबसे पहले जिन दोनों आईसी को आपने निकालना है उस पर पेस्ट लगा लो इस तरीके से। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ ही सेकेंड्स में आईसी निकल जाती है, यानी कि विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर निकल जाती है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे और ध्यान से उस चीज़ को प्रैक्टिकली करोगे। तो इन दोनों आईसी को निकालना है। आयरन गर्म होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, फाइनली वैसे भी आयरन अपना गर्म हो चुका है। तो इस तरीके से जिस आईसी को निकालना है उसी पर आपने इस तरीके से पहले एक एक लेग में ये करना है, और इस तरीके से डी शोल्डरिंग पंप या फिर आपके पास जो भी डी शोल्डरिंग के लिए आइटम हो, जो भी चीज़ें हो, उसको आप ले लें। तो इस तरीके से उसको डी शोल्डरिंग करते हुए आपने निकालना है। यहाँ पर आईसी को हमने डी शोल्डरिंग करके एक आईसी को बाहर निकाल लिया है, और दूसरी आईसी को देखिए इस तरीके से हम बाहर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों हमारी साउंड आईसी बाहर निकल चुकी है। इनका नंबर है 2030, TDA 2030 आईसी का नंबर है। और यहाँ पर देखिए जो आईसी आप डिसोल्डिंग करते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है पंप की हेल्प से नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती कि हमें डिसोल्डिंग वायर की भी मदद लेनी पड़ती है, तो बीच में पंप से सही नहीं हो पाया। तो मैंने यहाँ पर
डिसोल्डरिंग वायर की हेल्प से भी इसको डिसोल्डरिंग किया, और डिसोल्डरिंग देखिए कहीं पर भी इसका प्रिंट वगैरह डैमेज नहीं किया है। अब इसको क्लीन करूँगा, लास्ट में देख लेना आप। अभी देखिए चलिए मैं एक नई आईसी इसमें डालूंगा। तो और एक चीज़ देख रहा हूँ भाई, ये जो उसमें आईसी लगी है ना, ये तो अभी तक रिपेयर नहीं हुई है ये बोर्ड, और लेकिन ये जो आईसी बिल्कुल ओरिजिनल है। इसकी आप लेग देख लीजिए कितनी मोटी है, बहुत ही पुरानी और बहुत ही ओरिजिनल आईसी इसमें पड़ी हुई है, कोई भी शक नहीं है ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल आईसी इसमें डली हुई है। चलिए अब यहाँ पर दोनों आईसी डालता हूँ जो मेरे पास पड़ी है। अब यहाँ पर ये दो आईसी मेरे पास 20-30 नंबर की हैं, इसी को हम यहाँ पर डालेंगे। तो पहले इधर पे ना आप हीट सिंक कंपाउंड जरूर लगा लेना। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगाऊंगा। हीट सिंक कंपाउंड किस तरीके का होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हीट सिंक कंपाउंड है, ये आप जब भी किसी आईसी को रिप्लेस करते हैं जो पीसीबी माफ करना जो हीट सिंक के साथ में कनेक्ट होती है, उसको रिप्लेस करते वक्त इस पीसीबी कंपाउंड को आईसी के साथ में लगाया जाता है। अब क्यों लगाया जाता है, ताकि आपकी जो आईसी वर्किंग करते समय हीट हो, तो जो हीट है वो इजीली इस पे ट्रांसफर हो सके, इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो हीट सिंक कंपाउंड अगर पॉसिबल हो तो लगा लेना, नहीं हो तो भाई होना तो जरूरी है, नहीं हो तो फिर कर भी क्या सकते हैं, तो है तो लगा लेना जरूरी है, ताकि ये जो आईसी है ना वर्किंग के टाइम में बहुत हीट होती है। जब आप फुल बेस फुल वॉल्यूम में चलाते हो ना, बेस के टाइम पे बेस की आईसी, वॉल्यूम के टाइम के वॉल्यूम, ये वाली आईसी जो लेफ्ट राइट की है वो हीट करती है, तो ये तो हीट होती है। साउंड आईसी तो कोई भी साउंड आईसी ले लो आप, सभी हीट होती हैं। तो उन साउंड आईसीज को ठंडा रखने के लिए हीट सिंक लगाया जाता है, और अच्छी कंपनी का है, और अच्छा कंपनी का अगर होम थिएटर आप ले रहे हो तो हीट सिंक भी उसमें अच्छा खासा मिल जाता है। मैंने बहुत सारे लोकल होम थिएटर भी देखे हैं जिसमें हीट जो है हीट सिंक की जो क्वालिटी होती है ना बहुत ही घटिया होती है। हालांकि जो भी है ये वाला बहुत बढ़िया कंपनी का मुझे लगा। अब चलिए यहाँ पर स्क्रू वगैरह कस लेता हूँ और इन सभी को मैं सोल्डरिंग मार दूंगा, तो फिर आपको दिखाता हूँ। पर आईसी वगैरह सब कुछ लगा दिया मैंने, चलिए एक बारी मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और आपको ना एक बार चला के आपको दिखा दूंगा। इसको साफ करने के लिए आप क्लीनर वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाता है। और बहुत ही देखिए आईसी हमने सही तरीके से इसमें लगा ली है, कोई भी प्रिंट वगैरह डैमेज नहीं किया, और सोल्डरिंग वगैरह क्योंकि ये थोड़ा सा अभी पेट्रोल से क्लीन करूंगा तो जितने भी ये धब्बे दिखाई देना ये सब साफ हो जाएंगे। पहले एक बारी मैं इसको चेक कर लेता हूँ, अभी इसको कसूंगा नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पर इसमें सभी कनेक्टर लगा के इसमें साउंड चेक कर लूंगा सही तरीके से। चलिए सारे कनेक्टर लगा लेता हूँ जो जैसे निकाले थे। और ये कनेक्टर हमारा इधर से निकाला हुआ था, और ये बड़ा वाला कनेक्टर इधर से था, और जहाँ पर ये तीन पिन है यहाँ पर ये पावर वाला था। बाकी कनेक्टर जैसे मैंने बोला था ना, अगर आप लोग नए हो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो जरूर कर लेना जो मैंने आपको बताया था। चलिए तो फाइनली यहाँ पर मैंने प्लग वगैरह कर लिया है, अब यहाँ पर आपको दोनों चैनल में साउंड सुना देता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर वाले चैनल पर वॉल्यूम को एडजस्ट करता हूँ, इसमें बेस बढ़ाता हूँ, बेस कम कर लेता हूँ। अब दूसरी चैनल पे आपको सुनाता हूँ, तो फाइनली यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो चुका है। जब भी आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आती है तो आप आईसी एक बार चेंज करके जरूर देख लेना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन 100% हो जाएगा। अब मैं इसे पैक कर लेता हूँ, अगर आपको ये वीडियो में कोई भी पार्ट पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी वीडियोज देखने के लिए अपने चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।